महिला आयोग की श्रीमती रेखा शर्मा से मैं निवेदन करती हूँ कि आप 2 मिनट अपना उद्बोधन, थोड़ा सा उद्बोधन करके हम सबका मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आसीन माननीय श्रीमती सोनल अमित शाह जी, माननीय श्रीमती मल्लिका नड्डा जी और हमारी सबकी प्यारी सरोज पांडे जी, पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस मंच पर आने के लिए मुझे अवसर दिया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूँगी कि आज जो ये नारा खादी मंत्रा सरोज जी ने ये दिया है, इसी नारे को देखकर महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद किया था। और अब आत्मनिर्भर भारत की बात करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरा आज़ादी का बिगुल छेड़ा है, और वो है बिगुल चाइनीज प्रोडक्ट्स, बाहर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जो बहुत चीप होते हैं लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने में लगे हैं। आज वो आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है वो आप सबके कारण, मुझे लगता है अगर ये पूर्ण होगा तो वो आप सबके कारण है। कला, हस्तकला, स्पेशली हस्तकला, आज दुनिया इसको देख रही है, मांग रही है, और ये इतनी मांग में है। हम सब देखते हैं जब हम बाहर जाते हैं कुछ भी खरीदने तो सबसे पहले पूछते हैं कि हैंडमेड है क्या, और उसकी वैल्यू आज मुझे लगता है विश्व को समझ आ रही है। और ये इसी कारण है कि आप सब ये सब होते हुए भी कि जब लॉकडाउन हुआ, अर्थव्यवस्था भी खराब हुई, आप लोगों को काम भी नहीं मिला, लेकिन आपने अपनी कला को जिंदा रखा। और इसमें बहुत बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है, क्योंकि मैं महिला आयोग से हूं तो मैं महिलाओं की बात जरूर करूंगी। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि घर में जो महिलाएं होती हैं वो इस कला को जिंदा रखने में बहुत बड़ा हाथ है। बाहर शायद मार्केटिंग में या बाहर बाजार में पुरुष नजर आते हो, लेकिन बनाने में जो काम करती हैं महिलाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी का में वीविंग का काम हो, अगर आप घर घर जाएं तो वहाँ वीविंग महिलाएं कर रही हैं, फिरोजाबाद में जाएं तो चूड़ियां जो हैं घर में महिलाएं बना रही हैं, आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो जितना ये मेटल का काम है बहुत सारी महिलाएं इसमें लगी हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, मैंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों को, महिलाओं को स्पेशली ये हस्तकला में, चाहे बैम्बू का हो, वीविंग हो, वहाँ की वीविंग बहुत अच्छी है, वो सब महिलाएं कर रही हैं। आप सबको 2 प्रॉब्लम्स मुझे लगता है जो आती हैं, और उसमें हम सब साथ दे सकते हैं, राष्ट्र महिला आयोग भी हमेशा खड़ा है आपके साथ। एक मार्केटिंग की, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, अगर आपको बढ़ावा करना है अपना बिजनेस तो उसमें फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं जिनका आप फायदा ले सकते हो, और बहुत महिलाओं ने भी लिया भी है, चाहे वो मुद्रा योजना हो या मेक इन इंडिया हो, कोई भी नारा जो पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसमें हम सबको लगता है कि आप जैसे छोटे कलाकार, छोटे व्यवसायी, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बस उनको जानना चाहिए ये क्या क्या स्कीम्स हैं, और उसके लिए हम लोग हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी, स्पेशली महिलाओं को हेल्प की जरूरत हो तो राष्ट्र महिला आयोग हमेशा आपके साथ खड़ा है। हम अभी छोटे व्यवसायी महिलाएं जो हैं 5 से लेकर 25 लाख तक, उनको आगे कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे करें अपनी चीज़ें, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए हैं आईएम बेंगलोर के साथ। बहुत जल्दी एप्लीकेशंस भी मंगवाने वाले हैं, उसके लिए आप आए और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अपस्किलिंग ऑफ योर बिजनेस, वो बहुत ज़रूरी है और उसमें हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। मैं जब से महिला आयोग में आई हूँ मुझे लगता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए फाइनेंशियली, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
मैं सरोज जी से भी कहूंगी कि अभी इनमें से कोई भी महिला कारीगर जो है, अगर उनको ऐसी कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप लोग अप्लाई करें और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मैं इसी के साथ धन्यवाद फिर से देना चाहूंगी, आपसे मिली और बात करने का मौका मिला। मैं और भी कुछ सीखना चाहूंगी, अब आई हूं तो मैं देख के जाऊंगी कि क्या क्या चीजें आप बनाते हैं और हम किस